जो रहमान साहब को जानी थी वो उनके आर्टिकल्स के थ्रू जानी। एज ए यंग पर्सन मैं रहमान साहब के आर्टिकल पढ़ती थी और थ्रू दोज आर्टिकल आई कुड अंडरस्टैंड के व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट अ ह्यूमनिस्ट, व्हाट अ पर्सन ही वॉज। और फिर ग्रेजुअली आई मेट हिम इन लाहौर, फिर उसके बाद कराची में मिलते रहे। जहाँ भी इधर उधर मौका मिलता था आई यूज़ टू गो एंड टॉक टू हिम। शुरू शुरू में मेरा ताल्लुक ज़्यादा वुमेंस राइट्स से होता था और जब भी मैंने बात की हम वुमेन राइट्स के साथ साथ ह्यूमन राइट्स पे आ जाते थे कि अब हम उसके बात करें। और एवरी टाइम आई टॉक टू रहमान साहब यू नो इतनी चीज़ों में क्लैरिटी आती थी। उनकी वो चमकदार आँखें इतने अच्छी तरह से यानी ईजिली एक्सेसिबल, इतने इम्पोर्टेंट और बड़े आदमी और इतने आराम से एक्सेसिबल थे। उनके साथ चले गए, जाके बात की क्या मसले थे हमारे, क्या बात थी, यू नो इतने आराम से समझाते भी थे। एंड उनके साथ बात करके फिर अंदाज़ा होता था कि ह्यूमन राइट्स क्या है। इसमें जब से लास्ट कोई 6-7 साल से मैं सीनियर ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ में जुड़ी है और उसको मैंने सेटअप करना शुरू किया, तो मेरी बहुत फ्रीक्वेंट बात होती थी रहमान साहब से गाइडेंस के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। और हमारी जो एनुअल रिपोर्ट होती थी वो मैं हमेशा रहमान साहब से बताती थी कि मैं आपको भेज रही हूँ और आप देखें इसमें कि क्या चीज़ मिसिंग है या हाउ कैन इट बी इम्प्रूव, मुझे एडवाइस करें। और इतनी अजीब बात एक हुई, आई थिंक इट वॉज 2016 की रिपोर्ट थी हमारी एनुअल रिपोर्ट कमीशन की। एंड मैंने उनको पहली कॉपी भेजी, मैंने कहा रहमान साहब प्लीज़ इसमें देख लें कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कैन स्टिल बी इम्प्रूव, क्योंकि ये फर्स्ट कॉपी हमने असेंबल करके और आपको भेज रही हूँ। यू नो ही यूज़ टू गो एंड सी ईच एंड एवरीथिंग, पूरी रिपोर्ट को देख के एंड ही यूज़ टू टॉक टू मी। और उस रिपोर्ट देखने के बाद ही रैंग मी, ही सेड माजदा तुमने देखा है इस रिपोर्ट में तुम्हारा एड्रेस कहीं नहीं है, यानी कमीशन का एड्रेस। प्रिंटर बैक पे जो हमारा एड्रेस हुआ करता था वो भूल गया था प्रिंट करना। तो मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि देखें इतना बड़ा आदमी, इतनी उनकी दूसरी चीज़ों में वो है, मगर कितनी माइन्यूट चीज़ भी वो मिस नहीं करते थे। फिर खैर हमने उसको देखा और देख के फिर उसको वो किया। फिर नेक्स्ट ईयर आई आस्क्ड हिम फॉर आर्टिकल, रहमान साहब का ईच एंड एवरी आर्टिकल आई टेल यू यूज़ टू गिव अस सो मच, टीच अस सो मच। कि इस साल भी हमने उनको फ़ोन कर रहे थे कि हम उनसे कहेंगे कि इस साल भी हमारे रिपोर्ट के लिए आर्टिकल दें। And then I came to know ki he has passed away. It was devastating, I tell you. Ab main kitni dafa sochti hu since he has passed away, ye whom can I talk to? Kisi bhi topic ho, human rights ho, peace ho, blasphemy ho, anything, I could talk to him. And now I don't find anybody around me to whom I could talk to. God bless him. Thank you.
खातिन हज़रात, जिन भी लोगों ने कराची का बंदर रोड या मारूफ है मेजना रोड देखा है, वहाँ से एक पूरा गमे जफीर होता है सुबह को, जो ताजरों का होता है और दूसरा वकला का होता है। हमने एमआरडी में फिर कुछ वकला ऐसे देखे जो मेजना रोड पे पुलिस की फौज की लाठियों के जद में होते थे, नारे लगाते थे, लोगों को मुतासर करते थे। तो उन्हीं ज़मानों में हम एक शख्स को देखते थे, जो शख्स बाद में ऑनरेबल जस्टिस भी बना और आज वो हमारे इस मंच पे सदारत के मनसब पे मौजूद हैं। मैं इंतहा एहतराम के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ अच्छे जजों में से एक जनाब रशीद रिजवी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब करामत अली साहब, प्रोफेसर करण सिंह साहब, जनाब कैसर बंगाली साहब, जस्टिस माजदा रिजवी साहिबा, डॉक्टर जाफर अहमद, जनाब जुल्फ़िकार अली पोटर साहब, मेरे दोस्तों साथियों, सबसे पहले तो मैं अली पोटर साहब को मुबारकबाद दूंगा और साथ में डॉक्टर जाफर को कि बड़ा टाइमली उन्होंने ये कदम उठाया और इनके ये चंद आर्टिकल्स वगैरह कंपाइल किए। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, उसके अलावा भी दोस्तों ने, मेरे सीनियर साथियों ने भी बहुत सी बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि वो फिर भी कम हैं जनाब आये रहमान साहब के लिए, जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका कमिटमेंट था, जो वो उनका स्टैंड था, वो सब उसके खराज तहसीन इन अल्फाजों से पूरा नहीं हो सकता। किस अंदाज के आप उनका डिस्कशन करना चाहेंगे यहाँ पे, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिशियन, एज एन इंटेलेक्चुअल, हर फील्ड में आप उन्हें बहुत आगे पाएंगे। इसमें मैंने शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने टाइमली किताब मुझे पहुँचा दी अली पोटर साहब ने, वरना तो बाज़ औक़ात तो यहाँ आके मिलती है किताब और मुझे स्कूल के ज़माने का एक पत्रस का मज़मून याद आता है, मेबल और मैं, कि बग़ैर पढ़े हम लोग धुआंधार तकरीर करके चले जाते हैं। इस पर मैंने बहुत सी चीज़ें नोट की थी। आपकी खुशकिस्मती है कि किताब मैं गाड़ी में भूल आया हूँ, तो मैं एक चीज जरूर पढ़ूंगा इसमें, जो एक इंडियन एडमिरल रामदास साहब के इंटरव्यू में है, पेज 170 पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की नज़म पढ़ी लिखी है और कहते हैं, द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल हाई व्हेन नॉलेज इज फ्री। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out of the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of that habit, where the mind is led forward by the
into ever widening thought and action into the haven of freedom, my father let my country awake. और उसके बाद कहते हैं that is what Rahman Saab lived for and died for and there are a million young minds blooming today who will make that dream a reality. इससे खूबसूरत तारीफ आई रहमान साहब की मुझे और कहीं नज़र नहीं आई। एक वाक़ा मुझे याद आ गया है कैसर बंगाली साहब के रेफरेंस से। जब 2000 में मैं वापस आया बेंच से तो उस वक्त बहुत से प्रोग्रेसिव दोस्तों ने, लिबरल दोस्तों ने, लेफ्ट के लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूं। उसमें मेरे हमारे बड़े महराज भाई भी थे। मैंने कहा जज को सियासत में नहीं आना चाहिए। एक दफ़े जज और जनरल, मेरा हमेशा से स्टैंड ये रहा है कि जज और जनरल को सियासत में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा अब मैं जज बनकर हो गया हूँ तो फिर क्यों मैं वापस आऊँ। एक रिवायत वहाँ पे रिवाज चला था कि जी परवेज मुशर्रफ के हाथ मजबूत करो, ये मौलवियों को मारेगा। इत्तेफाक से मैं एक लीगल वर्कशॉप गया कैसर साहब लाहौर, हमारी मुलाकात हुई आयर रहमान साहब से। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या व्यू है। काफ़ी लंबा उनका एनालिसिस था लेकिन मैं बता दूं 2001 में उन्होंने वो बात कही जो हमने 2006, 2007 और 2008 में इनके साथ देखी। परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया तो उनकी प्रोफेसी की भी बात आप देखें कि वो ये कह रहे थे कि आंख बंद करके इस बैंड वैगन में कूदो नहीं, ये कहां तुम लोगों को ले जाके मारेगा कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। और लोगों ने देखा प्रोग्रेसिव पार्टीज ने, लिबरल्स ने किस तरह से इसने सबसे ज्यादा इन्हें को मारा। आलेपोतो साहब ने बड़े सवाल उठाए हैं अपने मुख्तसर सी तकरीर में लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। कैसर साहब ने भी उस तरफ इशारा किया है। इस वक्त हम पाक अफगान रिलेशनशिप हमारे बहुत ही सख्त स्टेज से गुजर रहे हैं। इंडिया से भी हमारे ताल्लुकात हैं लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें, इस मुल्क में हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हमारे वजीर खारजा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर्स क्लोज डोर सेशन में पार्लियामेंट के ब्रीफिंग लेते हैं। किससे? DGISI से। तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों आपने रखी हुई है? वो मुझे एक लतीफा याद आता है, शुरू शुरू में अफगानिस्तान के रेफरेंस से किसी ने वाकई लतीफा सुनाया था कि कोई डेलीगेशन आया सरकारी, उसमें एक मिनिस्टर था फॉर रेलवे। तो लोगों ने पूछा कि भाई अफगानिस्तान में रेलवे कहाँ है जो वहाँ पे मिनिस्ट्री है। उसने कहा आपके यहाँ भी तो लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री है। तो मैं समझता हूँ कि ख़त्म करें इन मिनिस्ट्री को। हमें पढ़ाते हैं आर्टिकल 242 है गालिबन कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान आर्मी शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसको थोड़ा सा चेंज कर दें हम कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान विल बी अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। सच तो यही है। क्यों हमें झूठा पढ़ाते और हमारे बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाते हो कि वो इस चीज पे अमल करें?
कहते हैं तालिबान से हमारा कोई वास्ता नहीं, तालिबान आपकी औलाद है, जायज़ या नाजायज जो भी है ये आपकी औलाद है। रशियन वेल ट्रेंड आर्मी दुनिया की काबिज है अफगानिस्तान पर, और यहाँ से मदरसे के लोग उठ के जाते हैं और उसको भगा देते हैं, आर्मी को शिकस्त देते हैं। ये ट्रेन तालिबान कहाँ से आए थे, किसने बनाए थे ये? और इनका जो पहला चीफ था, क्या नाम था उसका? नहीं नहीं अपना आईएसआई के चीफ थे जनरल हमीद गुल, उन्होंने तो टीवी पे आकर ये कहा कि हमने बनाई है, मैंने बनाई है आईएसआई, मैंने बनाई है तालिबान। और अब आप कहते हैं हम बॉर्डर पे वो लगा देंगे, बाहर लगा देंगे, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। और आज ही डॉन आप देखें लिखा है चमन बॉर्डर खोल दिया गया है ईद के लिए। कौन सी बात सच्ची है? आईएसपीआर का जनरल सही कह रहा है या डॉन की रिपोर्ट सही कह रही है? लोग कहते हैं इस मुल्क में सॉफ्ट मार्शल ला है, मैं कहता हूँ वो अपनी जबान को सॉफ्ट करने के लिए कह रहे हैं। इस मुल्क में वर्स्ट सिविलियन शेप में मार्शल ला है। कोई सहाफत इस मुल्क में आज़ाद नहीं है, कोई इदारा इस मुल्क में आज़ाद नहीं है। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अपॉइंटमेंट के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ पे लोग आके कहते हैं इसको रखो इसको निकालो। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इंटरफेरेंस हो रहा है। हम कहाँ कहाँ किधर किधर आप लड़ेंगे, किस किस से लड़ेंगे? हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, हमारे अच्छे साथी जो हमें एनलाइटन करते थे, जो हमें गाइड करते थे, अब जा रहे हैं, लेकिन अब हमारा सबसे अहम मसला यही है कि हमारा सिविल फैब्रिक जो है वो तार तार होता जा रहा है। हमारा सिविल सेटअप का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। आलिपुरा साहब ने कहा था 2000 से अभी तक 3-4 इलेक्शन हुए और उसमें आप देखें बद से बदतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। एक तो अलीपुरा साहब बात सारी यह है कि इस मुल्क में अब कोई सियासी पार्टियों का नज़रिया नहीं रहा है। हमारे यहाँ आप छोटे से छोटे मुल्क लैटिन अमेरिका में चले जाएं, फार ईस्ट में चले जाएं, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट की पार्टियाँ मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, वो अपॉर्चुनिस्ट। किस तरह से इख्तदार में आया जाए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे JUI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PTI हो, कोई हमारे यहाँ नज़रियाती पार्टी नहीं है। यहाँ पे इस मुल्क में कोई किसी के जहन में कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ इख्तदार में आओ और 5 साल किस तरह गुजारने हैं वो गुजारो। इन हालात में हम जी रहे हैं। बातें बहुत है करने की, बस इतना कहूंगा आखिर में कि आइए रहमान साहब हम सबों के लिए मशले रहा है, उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो सिलसिला यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आर्टिकल बड़ी कामयाबी से हमने शाया तो कर दिए हैं, लेकिन डॉक्टर जाफर साहब उनकी बायोग्राफी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर कितने अवार्ड्स उनको मिले थे, कितने अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स मिले थे, उसको सिलसिलेवार करना पड़ेगा। और इसमें आप ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो तकरीर करके चले जाने वालों में से हैं, काम आपने करना है बैठ के बेंच पे। वो मैन ऑफ कमिटमेंट से, और हम जो पढ़ते हैं कि प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, अगर हकीकत में देखना है तो वो आईए रहमान साहब थे। बहुत बहुत शुक्रिया।